जब आप कहे कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली पटना जयपुर झारखंड रांची, तो कोई बात नहीं, अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना। और गलती से तुम फोन कर दोगे, चार गरियाएगी तुमको, चार गो बात सुनाएगी, तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, आ कोई ठीक नहीं है, पहल का बैठल होगा गुआ वाला। लड़कियों में एक बहुत बड़ा हेडेक रहता था, कोई सहेली जाके बताती थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना वो खान के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रहा था, कहते यार बाप रे गया साला गया, वो भड़का देगा। ये कौन पूछता है बेवकूफ, शादी हुआ कि नहीं आपका? अरे यार देखो, लड़की का शादी हुआ या नहीं ये देखने का सिंपल तरीका उसके मांग में सिंदूर, लड़के का शादी हुआ या नहीं सिंपल तरीका उसके चेहरे के मुस्कुराहट। पूछ रहा है सर हमको शादी करना है, सीबीएसई वालों से करें या हिंदी मीडियम वाले से करें? ए भाई साहब तू हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम से कर, सीबीएसई का है तो सीबीएसई से कर, और गलती से भी तुम अगर हिंदी मीडियम का है वो सीबीएसई से कर लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अरे ससुरा कर रहा है किससे बतिया रहे थे, बकलोल कही का दिन रात फोन करता है से, सर इतना पैसा ले लीजिए हमारे पास आ जाइए, इतना पैसा ले लीजिए हमारे पास आ जाइए, ससुरा तुम लोग को समझ में आता है, दिमाग चाट देता है सर, कहता है सर आप चेक भर लीजिएगा, ससुरा हम चेक भरेंगे तो मुकेश अंबानी को खाली कर देंगे। कहता है सर जितना लेना है ले लीजिए, सर तू नहीं जितना लेना है ले लीजिए, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ये कोई जबरदस्ती बात होता है? आप बताओ नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है बस। अब वो कह रहा है कि सर जी उधर बतिया रहे थे क्या? अरे गरीब आदमी क्या करता है, लोअर पहनेगा, एगो गाना लगाएगा एयरफोन, ऐसे एयरफोन लगा लिया उसमें गाना लगा दिया, और लोअर को ऐसे मोड़ेगा और इधर से ऐसे मोड़ेगा, काम खत्म। और धान ले लेगा इतना, कीचड़ में उतर के अधान का रुपया चालू कर देगा, ले सोच रहा समझ में आ गया कि लड़की सब इसी भी जो रहेगी सब कौन चीज ऐसे दुपट्टा लेगी सर, ऐसे बांध लेंगी सब, और वो सब गाना लगा देगी सर, आराम से चार पांच गो सहेली मिलके हमारा पूरा खेत रोप देगी सर। अब सीबीएसई वाला सब खेतों में उलट जाएगा सब। मैं जिस स्टूडेंट के पास हीमोग्लोबिन की कमी हो, वो स्टूडेंट चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको बड़ी सुस्ती आएगा, कहेगा आधा घंटा पढ़ेगा चार बार उठेगा, देह दुखाएगा, कहेगा अरे बाप उठेगा, इसे अपन देह दुखाएगा, जहां जहां मांस होगा ना खूब दुखाएगा उस ससुरा को, और थकान होगा उसको, पढ़ने का मन नहीं करेगा, तकिया को तीन बार मोड़ के लगाएगा, देखो देखो बताते हैं तकिया को तो नॉर्मल लगाना चाहिए, तू ससुरा ऐसे नहीं लगाएगा, हेंगे तीन बार मोड़ेगा उसको, और के बाद ऐसे लगाएगा तकिया और किताब खोलेगा ऐसे पढ़ेगा, बहुत पढ़ लिए हैं भैया, 24 घंटा पढ़ेंगे थकबे नहीं करेंगे, एकदम लहलहा के पढ़िए, एकदम एकदम पूरा पड़ोसी देख के डर जाएगी, साला इनका लड़का तो कलेक्टर बन जाएगा। नींद अगर 8 घंटा से कम लेंगे तो देह में सुस्ती रहेगी, दबा के लीजिए नींद, और अगर 8 घंटा में नहीं पूरा होता है तो 9 घंटा में पूरा कीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कई लड़कों को देखते हैं है, हम पढ़ेंगे एकदम आइंस्टीन के बाप हैं हम, न्यूटन के दामाद हैं हम, हमको कोई रोकेगा, 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेगा और दिन भर भंगवाएगा ऐसे दे, रे ससुरा का फायदा तोरा 4 बजे उठ ले, आराम से उठना जो टाइम पे उठ सकता है। पढ़ने खाने थूरने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करो दबा के, खाओ दबा के, कोई गलती किया तो कचर के थूरो। नाम की महिला थी, वो MA पास थी, ग्रेजुएशन PG पोस्ट ग्रेजुएशन भी थी, ओकरा एगो नौवीं फेल लड़का से फंस गई। हाँ ये लड़की सबको जो तारीफ किया ओकरे से फंस जाती है सर। सबके पास दूरदर्शिता नहीं होता है, जो देवता उस सबको सबसे पहले लड़की से पूछे तुम्हें कैसा लड़का, वो भाड़ में जो तुरा क्वालिफिकेशन हमारा ख्याल रखे, हाँ तुरा एगो झुनझुना लेके बजा जा भाई रे। हमारा ख्याल रखे यार, फंस गई ओकरा से। अच्छा बात है, इसमें ख्याल क्या रखना है जी, 18 साल से ऊपर लड़का हो गया
अपने पैर पे खड़ा हो गया, हमारा ख्याल ना रखते हो, ले तो आके झुलवा खरीद देते हैं। अच्छा बहुत ही सब तो सातवीं फेल था, कोनो काम धाम था नहीं, एक खूब अच्छा से वैल्यू दे, हाँ 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 मच्छर काट लिया, मच्छर काटा, हाँ मच्छर का इमरजेंसी, जहाज बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, मच्छर काट दे। छोड़ो ना कोई बात नहीं, छोड़ो, सबको पता नहीं कौन दिमाग की होती है। अच्छा एक चीज देखना, जितना जितना दिखने में सुंदर लड़की रहती है सुनो, वो और बकलोल से फंस जाती है। देखो बकलोला कितना खुश है सब, पीछे वाला पूरा बकलोला खुश है, अरे सच क्या बात बताती है, उस सबको थोड़ा भी दिमाग नहीं होता। अब देखो भाई कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होते हैं शरीर बनने में हम लोग के लिए। अब वही जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के चलिए जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग छूट जाता है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे ना जितना सुंदर रहेगी उनको बुद्धि कम रहेगी, उल्टा सीधा से फंस जाएगी, एकदम अजब टाइप का रहेगा, देखता है अजब लड़का से पति, एक और हरा रंग का बाल रंग लेगा, एक और भूरा रंग का, और तुम लोग जाओगे पढ़ लिख के खूब अच्छा से एकदम बढ़िया से एकदम वेल फॉर्मल फॉर्मल पहन के एकदम पैंट शर्ट फॉर्मल एकदम ठीक, पुराने जमाने का आदमी है, तू ये लेके जाओ मुर्गा ऐसा बाल रंग ले। लड़की जब लड़का सब एज लड़का लड़की दोनों के लिए बहुत खराब एज है, इसमें ना लोग बहुत एक से एक लड़का रहेगा, वो कहेगा कि लड़का पगलाएगा तो उससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती है, लड़कियां पगलाएगी उससे अच्छा लड़का हो ही नहीं, कहे को जानता है तुम लोग। ओकरा माथा पे लिखल था कि अच्छा है कि खराब, आप जब उसको जानने लगे धीरे से बात विचार विचारधाराएं एक दूसरे की समझे तब ना समझ में, सब एक से एक अच्छा रहता है, समझ में कि नहीं आएगा, लेकिन ना जो प्राथमिक क्षेत्र हम किस पे डिपेंड रखते हैं, नेचर, जैसे गाय भैंस पालन क्या हो गया प्राथमिक क्षेत्र, तो डायरेक्ट नेचर से मिलती है, किसी कंपनी की गाय आती नहीं है, रिलायंस की गाय आई है। ये जितनी चीजें होती हैं, खनन कोयला निकालना, भगवान दिया है तो निकालिए, झारखंड से निकलता है बिहार से निकालो ना, यहाँ जमीन खोदिएगा तो फाटल जूता घायली कपड़ा लाता यही सब मिलेगा यहाँ पे, दारू का बोतल। आगे तू भले खाली होगा, तो हम सुबह समझाए थे ना, अपने नहीं देख रहा है इतनी चुकी है, स्कूटर हो के ट्रैक्टर खींचने चल रहा है, और सरकार जो कह रही है कि हम नया किसी विधेयक ले आए हैं किसानों की भलाई के लिए, वो बिहार सरकार 2006 में किसानों की भलाई के लिए ला चुकी है, उसको बिहार में लागू हुए 15 साल हो गया, और बिहार के किसानों की कितनी भलाई हुई है ये आपको भी पता है, किसान को भी सोचना चाहिए, सरकार का यही काम है, कितनी बोझ रहती है सरकार के ऊपर, हर साल चुनाव है कहीं ना कहीं, मतलब लोगों के पास दिल नाम का चीज नहीं, नेता भी हैं सर भाई, उन सब की भी अपनी ख्वाहिशें हैं, आज इतना घोटाला कल सड़क लूट में, उनका मन नहीं है खाली, आप लोग का कैसे वैकेंसी निकालने का मन करता है, इस बार जॉब ले ले, उन सब का ही मन है इस बार बढ़िया घोटाला करें। कहा जाता है देहात में ना कि नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी, यही में फायदा है। कोरोना में सरकारी नौकरी का महत्व तो ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं था, सरकारी नौकरी वालों के लिए कौन दिक्कत रहता, और आराम से कुर्सी तुरा सब, और एक और राज्य में तो ऐसा हम बेवकूफी वाला नियम देखे, स्कूल बंद था लेकिन टीचर को आना है, पूंछी करेगा जाके बेंच पोछेगा। हम लोग क्या है, मकई को दुइये को तीन जानते हैं हम लोग, वो तो सीबीएसई वालों का भगवान भला करे जो बहुत किसी चीज को एडवांस बना देते हैं, हम लोग नहीं तो भूजा भूजते थे मकई वाला कराही में, उसका कोनो टेढ़ हो जाएगा, कोनो भड़क जाएगा, कोनो कुछ होगबे नहीं करेगा। सीबीएसई वाला का जन कैसे भूजता है सब पॉपकॉर्न करके, एकदम सब एकदम टनाटन होता है, अब तो युवा लड़का लड़की में परेशान है, वो फंस जाते तो कितना अच्छा रहते, फसाओ तू याद करेगा आज कितना अच्छा मुस्कुराई थी ये। मर ससुरा तुम्हें यहाँ पे, लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मन समझ लेंगे,
तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुश नसीब समझ बैठे। एक महिला अगर ठान ली है कि हमको इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के खिलाफ भड़का देना है तो कंफर्म भड़का देगी वो। पति को एकदम कंफर्म, क्योंकि वो जानती है कि पति थका हुआ रहेगा, हिन तेन बात नहीं सुनेगा, ये बैठेगा खाली सब खाना खाने के टाइम पे, तो उसको खाना दे देगी, अस्थिर बैठ जाएगी, जान रहे हैं ऐसे हुआ है। हमारे पापा कभी कभी खाना खाने के टाइम में बड़ी तेज खा के भागते थे, तो हम एक बार पूछे कि पापा कभी कभी बड़ी आराम से खाते हैं और कभी कभी बड़ी तेज खाने लगते हैं, कह रहे थे ना कि जब हम देखते हैं कि तुम्हारी मम्मी अस्थिरे खाना निकाल रही है ना, तो हम समझ जाते हैं कोनो ना कोनो बात जरूर है। तो अंग्रेज सबका शादी देखिएगा, चार को मोमबत्ती जलाएगा सब, एगो कहीं लिख देगा सब वेडिंग, एगो अंगूठी पहना है, एगो अंगूठी पहना है, वाह वाह वेडिंग। तो ससुरा ब्याह हो गया उसका। उसका ब्याह हो गया, अब बता इतना सिंपल ब्याह हुआ है उसको तोड़ने में क्या जाता है, पता नहीं हिंदू धर्म में उससे जो दुल्हा दुल्हन को रात भर जगह ले रहेगा सब पंडित जी के, आप दुल्हा दुल्हन के ऊपर ईंटा फेंकिए, रात भर बेचारा दुल्हा को मदारी बना देता है, सवेरे तक उन सब का होश नहीं रहता है, काड़ा नहीं हो पाता है, इतना मतलब परंपरा ला दिया जाता है, सिलवट लोढ़ा से दुल्हा का परछावन होता है, होता है कि नहीं। शादी ब्याह में 200-400 लोग आते हैं, जब ब्याह तोड़ने की बात आती है ना तो आदमी ये बतिया जरूर सोचता है, ससुरा इतना झमेला किए थे, इतना लोग को पता था कि हमारा ब्याह हो गया है, तोड़ने पे बहुत दिक्कत हो गई, एकरे से काम चलाते हैं। हम लोग को पोलियो पिलाया जाएगा, बचपन में ना पिलाया जाता था छोटे छोटे बच्चों को, तो एक छोटा बच्चा है जिसका अभी स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है, उसके माँ बाप अगर ये सोचने लगे कि आगे जाकर इसे 8-10 बच्चा पैदा करना है, सोचिए, ये नहीं सोच रहा है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, क्या फिर ये स्वस्थ रहेगा, इस सब से मतलब नहीं, इस साला बच्चा ज्यादा पैदा करना चाहिए, इसलिए इसको पोलियो का ड्रॉप नहीं पिलाएंगे, 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 को पैदा कर पाएगा। हद है सोचा, और पाकिस्तान की सरकार कहती है कि नहीं नहीं ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई गधों को गधों की तरह पिले, उन सबको कटोरा से पिलाइए कि ले हड़हड़ा के बच्चा पैदा होगा, गाय भैंस की तरह होगा, 1.5 साल में 2 आटाएगा हर 6-9 महीना पे। ऐसे गधों को कौन समझाए, और हमारी मजबूरी है यार, घर में कुछ घुस जाना, पतंग लूटना, मार करना, साइकिल चलाना, तो ये सब हमेशा लड़का सब करते रहता था शुरू में, और लड़की सब एक गुड़िया लाएगी सब उसका ब्याह करेगी, सही है। कोई भी लड़की चाहती है कि हमको मतलब बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह, अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहती है। अरे यार ये सब प्रेम और चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे ऐसा करेगी सन, बाल हटाएगा ऐसे ऐसे तू पिघल जाएगा। लेकिन जब एक लड़का लड़की भागते हैं ब्याह करने के लिए, तो 6 महीना बाद पकड़ाते हैं, तो लड़की जज से कहती है कि हमको बहला फुसला के लेके चल गई, जज वहां नहीं पूछता कि तुम्हारा दिमाग कहां गया था, लड़कवा को सजा दे देता है। क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि जज को भी पता है। तो लड़की भागेगी पकड़ाएगी तो घर वाला पहले लड़का पे केस करा के उसको जेल भेज देगा, और उसका रिश्ता ऐसे खोजेगा जैसे टारगेट बैच पढ़ा रहा है। एक महीना में हिला दो, कोनों को ले जाओ, समझ गया कि नहीं आ गया, कोनों को थमा देगा, और किसको थमाता है, आप लोग में से जो बेरोजगार बच जाएगा उसे। आप ही बताइए लड़की लोग, एक मिनट के लिए दिमाग से हटा के, इस कानून में संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इससे लड़कियों लोग को तो नहीं समझ में आएगा, इन लोग को समझे में नहीं आता, लड़का दो को बात बोल देगा तो इनको लगता है जीवन पार करा देगा। देखो सीधी सी बात, लड़का हो या लड़की सबको कहते हैं, जैसे ये देखो मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा रहता है ना, तो जिसको आप खोजते हैं ना कॉलेज और स्कूल में, जिसको आप लोग बहुत लगता है वो मोबाइल नहीं है, वो टेम्पर ग्लास, उसको टेम्पर ग्लास तक वैल्यू दीजिए।
हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिंटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा, कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। nice one. तो वही ऐसे पूछता है, भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया, हम तो आपको धाएं दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में, लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है, कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया है, टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई। टुंडरा टैगा लो, टुंडरा टैगा यहाँ पर, वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है, ये सबको होने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता कहीं जी 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 आगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम, इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही है सब, टुंडरा बोल रहे तो अपन फोटो भेज रही है सब। और दिखाइए इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग, अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला, और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहता होकर इमोजी बोला जाता है। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है, ये रेखा है बिस्वत रेखा, कौन सी रेखा बिस्वत रेखा, हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा, ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ये हमारा कौन सी रेखा बिस्वत रे। अरे ये क्या हो गया यार, टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश है ना वहां के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं सब। आगे इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब, सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा, तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया, तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि ये काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की नहीं सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा रहेगा। खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा, आप देखिए ना एकरे देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से ब्याह किए अभिषेक बच्चन, बताइए हम लोग उस टाइम खाली थे लोग। और दिखाइए अजब हाल है भाई, तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना सब का सब मिलेगा सब काला काला, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। यहाँ कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली वाह वाह, समझा गया, वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग, और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झोंसल मिलता है सब। कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है सर, अब बाल्टी में ससुर फेरन लवली घोर के उसमें नहा लेगी तो गोर ना हो जाएगी सर। सब भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं, अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे, हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिंटा घुसा हुआ है। आपको फिर बताए ना जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो, इतना यहाँ समझिए, आप समझ में आया कश्मीर के लोग गोरे काय होते, अच्छा कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, उसे गोर तो रूस वाला होगा सर, ऐसे रूस वालन को देखेंगे ना व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा ऐसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल, समझा गया कि नहीं आ गया। भूगोल कितना ईजी है ना, ईजी नहीं है बकलोल, कहेंगे ईजी नहीं लग रहा है इसको। सुतल है, आगे बढ़े
तो जितने लोग बिस्वत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी, और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई। और दिखाइए। बस खत्म।